क्या आप भी अपने राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि रिजल्ट को लेकर ना एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है, और अपडेट ये कहता है कि आज रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। तो अगर आपने एग्जाम दिया था और आप बहुत लंबे टाइम से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो अपने एडमिट कार्ड के साथ बैठ जाइए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव होगा और आप अपने रोल नंबर की मदद से उसे एक्सेस कर पाएंगे और डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। सो कौन से वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट के अलावा भी आपके पास जो ऑप्शंस है ना, उसके बारे में आपको एक बार फिर से हम बता देंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप ऐसे डरे नहीं, हसल बसल ना हो, और आप तसल्ली से आराम से अपना रिजल्ट चेक कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय आपके साथ, और रिजल्ट का बहुत बड़ा अपडेट लेकर आपके सामने आ गई हूं। कहा जा रहा है कि आज रिजल्ट अनाउंस हो सकता है, और रिजल्ट ना सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि rajresults.nic.in, और इसके अलावा raj.edu.board.rajasthan.gov.in, इन दोनों वेबसाइट्स पर सबसे पहले लाइव कर दिया जाएगा। और आपको ना इन वेबसाइट्स पर अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करना होगा, और बस छोटे छोटे स्टेप्स की मदद से ना आप इन्हें एक्सेस कर पाएंगे। तो रिजल्ट एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए हैं, फिर भी एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। आपको गूगल पर लिखना है ऑफिशियल वेबसाइट, उसके बाद ना जब आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे ना, तो होम पेज पर आपको सबसे पहले रिजल्ट का लिंक दिखाई दे देगा। अभी तो 12th का उसमें फ्लैश हो रहा है, लेकिन जब 10th का रिजल्ट आएगा ना, तो आपको 10th का अलग से लिंक दिखाई देगा। आपको लिंक पर करना होगा क्लिक, उसके बाद आपसे आपका रोल नंबर पूछा जाएगा, और रोल नंबर आपको वही मेंशन करना है जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। मेंशन करने के बाद सबमिट कर देना है, और सबमिशन के बाद ना जो रिजल्ट है ना, वो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। अब आपको उसे चेक करना है, डाउनलोड करना है, और फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए यानी कि जब आप 11th में जाएंगे एडमिशन के लिए, तो आपको हार्ड कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आपको उसकी एक जो हार्ड कॉपी है, या फिर जिसे आप प्रिंट आउट कहते हैं, वो अपने पास रख लेनी है। अब एक और चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है, कि रिजल्ट तो आपका आ जाएगा स्क्रीन पर, लेकिन कुछ ज़रूरी डिटेल्स है ना जो आपके स्कोर कार्ड में होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो डिटेल नहीं होती हैं, तो आपको अपने स्कूल से संपर्क करना होगा। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले आपको अपने रिजल्ट में अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक कर लेनी, यानी कि आपका नाम उसमें लिखा हो, आपके पेरेंट्स का नाम लिखा हो, आपका DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है जो 10th की मार्कशीट होती है ना, वो एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट काम करती है। तो उसमें DOB की डिटेल आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है ना, वो उसमें होने चाहिए, और सब्जेक्ट्स में जितने आपको मार्क्स मिले हैं, वो सब कुछ प्रिंट हो स्कोर कार्ड में, ये आपको मेक श्योर करना है। और जो आपका पासिंग स्टेटस है, वो भी उसमें लिखा होना चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट आपका मिसिंग है, आपकी कोई डिटेल मिसिंग है ना, तो आपको नहीं बैठना है चुपचाप, आपको अपने स्कूल से संपर्क करना है और उसे जल्दी से जल्दी सुधरवा लेना है, ठीक है। इसके अलावा जब आप रिजल्ट चेक करेंगे ना, तो कई बार हो सकता है कि आपकी वेबसाइट ओपन ना हो, या फिर आप अपना स्कोर कार्ड एक्सेस ना कर पाएं। वो दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक साथ बहुत सारे बच्चे एक वेबसाइट को विजिट करते हैं ना, तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है, या फिर उसमें एरर शो होने लगता है। तो अगर आपको जल्दी से अपना रिजल्ट चेक करना है, तो आप SMS का तरीका भी अपना सकते हैं। उसके लिए भी आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस यू हैव टू टेक योर फोन, उसके बाद आपको अपने SMS बॉक्स में ना एक छोटा सा मैसेज लिखना है। मैसेज है RAJ10, फिर देना है स्पेस, फिर लिखना है अपना रोल नंबर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका रोल नंबर है 12345, तो आपको क्या करना है, जो आपका SMS बॉक्स है ना, उसमें लिखना है RAJ10, फिर देना है स्पेस, उसके बाद लिखना है 1234। जब आप ये लिख लेंगे ना, तो आपको इसे 56263 पर भेज देना है, और जब आप इस नंबर पर भेजेंगे ना, तो आपका जो रिजल्ट है, जो आपका स्कोर कार्ड है, वो आपको SMS के जरिए भी मिल जाएगा। सो अगर आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, या फिर वेबसाइट आप नहीं खोल पा रहे हैं, तो भी आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही अपने एडमिट कार्ड को अपने पास रख लीजिए। रिजल्ट जैसे ही आएगा, आपको सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड का ही इस्तेमाल करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगा, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।